मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक सागर लोकसभा सीट पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से चुनावी धांधली का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता सांसद लता वानखेड़े के सामने दावा करते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने लटेरी में कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्रों पर बैठने नहीं दिया। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस मामले को चुनाव आयोग और न्यायालय में ले जाने की तैयारी कर ली है। गुरुवार को सागर लोकसभा क्षेत्र के स्थित विदिशा जिले की लटेरी तहसील में सांसद लता वानखेड़े का आगमन हुआ। इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सरोज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने प्रतिनिधि और लटेरी नगर परिषद के अध्यक्ष ने पति संजय अंतु भंडारी ने अपने और भाजपा कार्यकर्ताओं के चुनाव के दौरान किए गए क्रांतों का जिक्र किया। वायरल वीडियो में संजय भंडारी कहते नजर आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में मैंने और हमारी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पर कांग्रेस का एक भी पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिया। हम लड़ाई लड़े और किसी ने नहीं लड़ी। वीडियो में एक अन्य आवाज भी सुनाई देती है जिसमें कोई व्यक्ति कहता है 15 फर्जी वोट मैंने डाले थे, अगर जेल जाते तो हम जाते। इस वीडियो में सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर निष्पक्ष चुनाव की मर्यादा को तार तार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष यदुवीर सिंह बघेल ने कहा, ये चुनावी प्रक्रिया का खुला उल्लेखन है क्योंकि भाजपा नेता खुद फर्जी मतदान करने की बात स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग और न्यायालय में जाने का फैसला किया है और थाने में भी इसके खिलाफ आवेदन देने की बात कही है। इस मामले पर जब विदिशा से भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जनौत ने पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है और इस मामले में अनवयता जताई। दीदी के चुनाव दीदी अपनी लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़े, हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे, आज ये गलत परिपाटी चल रही है। मतदान तरीके से मतदान हमने करा तो जेल जाते तो हम जाते। कांग्रेस के हमने भी किया, हम तीन तीन सेक्टर संभाल रहे हैं।